अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय आन इन वन चैनल। आज मैं आपके साथ कोको पाउडर से स्क्रब और फेस मास्क आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आपको सिंपल से चार से पांच ही इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। कोको पाउडर जो है वो एक फ्रूट से निकलता है, उसमें और उसे ड्राई रोस्ट करके उसे कोको पाउडर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कोको पाउडर में ए सी एंड ई होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपका स्किन जो है बहुत अच्छे से क्लियर करता है। और ये कोको पाउडर आपके फेस पर ही नहीं, स्किन पर ही नहीं, बल्कि आप इसको खा भी सकते हैं। इसे केक्स में भी आप यूज़ करते हैं, बनाने के लिए केक्स भी बनाया जाता है। और ये हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा करता है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इसमें ये करेंगे कि ये सिर्फ वीकली 1 से 2 बार, आप इसको वीकली 1 से 2 बार इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको सन टैन को भी हटाने के लिए, धूप में अगर आप ज़्यादा घूम कर आते हैं तो आपके फेस पर सन टैन हो जाता है, हाथों पर सन टैन हो जाता है। तो इसमें अब मैं जो ये बता रही हूँ स्क्रब और ये फेस मास्क, इसको आप लगा सकते हैं वीकली 2 बार, या फिर इसको आप वीकली 2 बार या 3 से 4 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिया है मैंने यहाँ पे कोको पाउडर, शुगर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हनी ले लेंगे। आपको जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत स्क्रब और फेस मास्क के लिए काफ़ी होंगे। और ये कर्ड है, थोड़ा सा कर्ड ले लें। टी ट्री ऑयल ले लें अगर आपकी ऑयली स्किन है, या फिर सेंसिटिव है तो आप टी ट्री ऑयल की जगह आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रब, इसमें स्क्रब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से ही एक क्लीन बाउल में 1 टीस्पून शुगर मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसमें से हाफ टीस्पून हम यहाँ पे शहद ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा ये इसको ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा कर्ड भी आप डाल के मिक्स करें, कर्ड या फिर इसमें आप इसमें कर्ड या फिर दूध इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये आपका स्क्रब अब रेडी है। इसको आप अपने क्लीन फेस पे लगाएंगे, जहाँ पर भी आपका डार्कन हो गया स्किन फेस पर, वहाँ पर आप इसको लगाएंगे।
धीरे धीरे इस तरह से स्क्रब आपके हाथों पर आप लगा देंगे और हल्के से मसाज करते हुए तो आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से 5 मिनट्स तक मसाज करेंगे। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, हल्के हल्के से इसको मसाज करेंगे 5 मिनट्स। उसके बाद छोड़ दें और 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद वॉश कर देंगे। ये आपके डेड स्किन सेल्स को हटाता है और आपके फेस पर स्मूथनेस ला देता है ये स्क्रब। देखेंगे आप इसको यूज़ करने के बाद देखेंगे आपका स्किन जो है बहुत ही स्मूथ सपुल लगेगा आपको। ये यूज़ करने के बाद सिंपल से आपको ये इंग्रेडिएंट्स ला लेने हैं और उसके बाद इसको आप फेस पर यूज़ कर सकते हैं। आपके फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है, आपके फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ये बढ़ाता है। कोको पाउडर को आप ज़रूर अपने डाइट में भी शामिल करें। ये अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर आप यूज़ करेंगे, आपको अच्छे, अगर आपको अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स आपको पाने हैं तो अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ करें। तो मैं जो यहाँ पे कोको पाउडर मैंने यूज़ किया है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप चेक करें और इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको हम अब 5 मिनट्स और रुकते हैं। तो मैं वॉश करके आ गई हूँ, मैं अब खुद इसको फील कर सकती हूँ कि मेरा हैंड्स जो है कितना सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट लग रहा है मेरे हैंड्स को। आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कितना सॉफ्ट हो जाता है आपका स्किन ये स्क्रब के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क, तो चलिए इसको बनाते हैं। फेस मास्क के लिए ऑलरेडी इसमें 1/2 teaspoon हनी बचा हुआ था स्क्रब में डालने के बाद, तो ये 1/2 teaspoon हनी में ही हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ कोको पाउडर। बहुत ही कम अमाउंट में ही आपका ये स्क्रब और मास्क जो है रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम अब ऐड करेंगे कर्ड 1 tablespoon, जैसे मैंने, और हम लेंगे टी ट्री ऑयल। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप टी ट्री ऑयल यूज़ करें, या फिर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन वाली सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें ऐड करें, या फिर आपकी स्किन ड्राई है या फिर सेंसिटिव है तो आप, जैसे मैंने बताया था, आलमंड ऑयल वो आप यूज़ कर सकते हैं। टू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल के ऐड करूँगी, 2 से 3 तक आप डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करें इसको। तो ये अब रेडी है पैक लगाने के लिए। अब मैं पैक को अप्लाई कर लूँगी हैंड्स पे। तो ये अप्लाई हो चुका है अब पैक, इसको छोड़ते हैं 15 मिनट्स तक, ड्राई होने तक इसको छोड़ेंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे हल्के से मसाज देते हुए, इसको वॉश कर लेंगे 15 मिनट्स बाद।
तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, ड्राई हो चुका है। मैं इसको वॉश करके आके आपको बताती हूँ। तो आप ये फ़र्क देख सकते हैं मेरे हैंड्स पे, वॉश कर लिया है मैंने, बहुत ही क्लीन मेरा हैंड दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो आप इस स्क्रब और फेशियल मास्क को फेस पर और हैंड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। ये स्क्रब और फेस मास्क कोको पाउडर से जो मैंने आज बनाया है, और आपके स्किन में ये ग्लोनेस आप पा सकते हैं इजी से घर में ही इस छोटे से फेशियल को करके। तो इसके जो मैंने आज यहाँ पे कोको पाउडर मैंने जो यूज़ किया है उसे आप आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कोको पाउडर जो भी आप यूज़ करेंगे वो अच्छे ब्रांड का और अच्छे ऑर्गेनिक जो होता है कोको पाउडर उसे ही आप यूज़ करेंगे। तो मैं ऑर्गेनिक वाला कोको पाउडर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे आप जाके आराम से परचेस, तो वहाँ पे आप जाके इजी से परचेस कर सकते हो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय ऑल इन वन चैनल को। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।